एयरफोर्स एक्स एंड एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स एक्स वाई के लिए परीक्षा पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, आप जाके परचेज कर सकते हो। चैनल का कोड है इंडियन V40, ये यूज़ करना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप वहाँ पे डिफेंस रिलेटेड सारे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप जाके परचेज कर सकते हो। चैनल का कोड यूज़ करना, आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो परीक्षा ऐप की लिंक और कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जाके परचेज करो। तो स्वागत है आप सभी का जीके की इस खतरनाक सीरीज वीडियो नंबर 2 में। वीडियो नंबर 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में चेक कर लेना है, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगी, देख लेना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग जाती है, देखो वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 2 में काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, डेफिनेटली आपको नंबर ये वीडियो जरूर दिलाएगी और ये सीरीज आपको काफ़ी सारे नंबर दिलाने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, अगर अच्छी लगती है थोड़ी सी भी तो चैनल सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, इनमें से कोई नहीं। तीन कोयलों के नाम लिखे हैं, इनमें से जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है, इस किस्म के कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वो अधिकतम मात्रा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। इस देखिए सभी क्वेश्चन का आप जवाब देने की कोशिश करिए, क्योंकि ये एवरग्रीन क्वेश्चन, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आपको इसके जवाब आने चाहिए। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? सभी को पता होगा लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। जो आपका मोहनजोदड़ो है वो आपका सिंध में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, नारंगी लिखा है, अंडे लिखा है, हरी सब्जियाँ लिखा है, या फिर दूध। तो भरपूर अगर लौह तत्व की बात करें तो हरी सब्जियों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 30 है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है? देखो यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली, या फिर ये सभी। तो इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो आपका केरल का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? कथकली है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जवाब देने की कोशिश करिएगा और लास्ट में बताइए आपके कितने में से कितने सही निकले। अशुद्धियों के कारण पदार्थ के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पदार्थ के द्रव्यमान पर अशुद्धियों के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्धियों के कारण पदार्थ के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है कि वह कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, नेत्रदान में डेटा, यहाँ पे डेटा लिखा है, यहाँ पे दाता होगा, नेत्रदान में दाता की आंख का, जिसने मतलब आंख दी है तो दाता होगा, तो नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? लगभग सभी को पता होगा, कार्निया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर में संक्षेप केबी का पूरा रूप क्या होता है? वेरी जी क्वेश्चन, किलोबाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल, कैस्पियन, सुपीरियर, फिर जॉर्ज झील। तो जो आपकी विश्व की सबसे गहरी झील है उस झील का नाम है बैकाल झील, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, बैकाल झील आपकी विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, मोनाको, नेहरू, वेटिकन सिटी, लीचेंस्टीन। ये चारों देश ऐसे हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, लेकिन इनमें से सबसे छोटा अगर बात करें तो वो है आपका वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन कैंफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब 36 का ए बी सी डी आपको क्या सही लगता है। तो मेन कैंफ नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एडॉल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? चार ऑप्शन है यहाँ पे, देख लिया, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद। तो प्रार्थना समाज का गठन किसने किया? आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, राजनीति के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देने की कोशिश करिएगा। राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया? तो राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को किसमें से अपनाया गया? आयरलैंड के संविधान, मतलब आयरिश संविधान से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, जो आपका प्रकाश वैद्युत सेल होता है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है,
ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक, या फिर प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश वैद्युत सेल का काम होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। देखो, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर है, एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, उसका जवाब आपको आ गया होगा। जो छोटा पत्थर है वो जमीन पर पहले पहुंचता है, या फिर बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, या फिर दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, या फिर पत्थर की संरचना पर यह निर्भर करता है कि कौन पहले कौन बाद में पहुंचेगा। तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर एक भवन के शिखर से अगर एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो देखो, आर डी बनर्जी आपके संबंधित थे, के एन दीक्षित भी संबंधित थे, एम एस वत्स भी संबंधित थे, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, वी ए स्मिथ, ये संबंधित नहीं थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार आपको बताना है कि भारत क्या है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन है, फिर राज्यों का यूनियन मतलब राज्यों का संघ है। तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो भारत है वो है आपका राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था? तो देखो, 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षरित पूना समझौता में था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे चारों कथन, इसके बाद देखना होगा कौन सा असत्य है। मुंडा तथा मान खमेर औष्टिक भाषा की शाखाएं हैं, एकदम सही बात है। हिंदू बौद्ध और जैन एवं सिख धर्मों की जन्मभूमि भारत है, सही है। इसके बाद जम्मू कश्मीर एवं नागालैंड में हिंदू अल्पसंख्या में है, सही बात है। बचा क्या, भारत में कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या सिखों की है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अपनी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अपनी फांसी से पूर्व निम्न क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध लूँगा? चलो, आप कमेंट बॉक्स में जवाब बताओ। और इसका सही जवाब है राम प्रसाद बिश्नोई, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। एम एस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, एम एस वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चित्र डेटा को संशोधन हेतु, या फिर पदांश डेटा को संशोधन हेतु, संख्यात्मक डेटा संशोधन हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एम एस वर्ड का प्रयोग किया जाता है पदांश डेटा संशोधन हेतु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विश्व में अगर बात करें सबसे अधिक कोयला उत्पादन की तो किस देश में किया जाता है? भारत, अमेरिका, चीन, रूस। तो जो कोयला है, देखो तो पिछले 10 दशक से सबसे ज़्यादा कोयला अगर उत्पादित हो रहा है तो वो हो रहा है चीन में। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश वो है चीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? ग्रेनाइट ऐसी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, बाकी इन तीनों चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखो, आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी टाइप के खतरनाक क्वेश्चन आते हैं जो आप नहीं पढ़ते हो, छोड़ देते हो, लेकिन वही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे सारे, बस आप रेगुलर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ नाम का एक विद्रोह था जिसकी स्थापना करी थी करम शाह ने। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह किसने स्थापना करी थी? करम शाह ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुवी प्रकाश के लिए, कौन से प्रकाश के लिए? उत्तरी ध्रुवी प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो जो वायुमंडल का आयन मंडल है ये जिम्मेदार है। उत्तरी ध्रुवी प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत, आयन मंडल जिम्मेदार है? तो ये थे आज के इस वीडियो के 25 खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाओ, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे।
और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो यार सब्सक्राइब करना, ठीक है। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके आप वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट परचेज करो, डेली एक टेस्ट करो, सिर्फ और सिर्फ आपको डेली एक टेस्ट करना है, और देखो उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 3 में, बाकी सारे पार्ट्स आपको ऊपर आई बटन पर फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। अब रही बात अगर PDF की, आप PDF मांगा करते हो, मेरी PDF देने की आदत इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो आप अच्छे से नहीं देखते हो और ये सोच लेते हो PDF में हम बाद में याद कर लेंगे, और बाद में अगर आपने सोच लिया वो काम करेंगे ये समझ लेना फिर वो काम होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं PDF नहीं दूंगा तो आप इसको तैयार करोगे और अभी तैयार करोगे। बाकी एग्जाम टाइम में सारे क्वेश्चन मैं रिवाइज करवा दूंगा, 50-50 क्वेश्चन एक एक वीडियो में कंप्लीट करके मैं सारे कंप्लीट करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।